भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट ओरिजिन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट ओरिजिन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। कॉलेज का प्रोजेक्ट खत्म करके आज रोमिल थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से बस पढ़ाई के चक्कर में उसने मोबाइल से दूरी ही बनाई रखी थी। रोमिल चाहता था कि इस बार उसे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले, ताकि वो अपने पापा को साबित कर सके कि उसमें कितनी काबिलियत है। आए दिन उसे बस उनसे ताने ही मिलते आए हैं, इसलिए इस बार रोमिल ने अपना मन बना ही लिया था कि वो कुछ करके दिखाएगा। तो आज से उसका वैकेशन स्टार्ट हो चुका था। खाली वक्त में बैठे हुए रोमिल ने सोचा कि क्यों ना इंस्टाग्राम ऐप को दोबारा इंस्टॉल किया जाए। तो उसने वैसा ही किया और रील्स के बौछार में वो खो जाने लगा। रील स्क्रॉल करते हुए एक लड़की की रील पे जाकर उसकी नजरें टिक गई थी। उसके प्रोफाइल पे क्लिक करते ही वहां लाखों फॉलोअर्स दिख रहे थे। और ताज्जुब की बात ये थी कि उसने खुद बस 2 फॉलोइंग रखे हुए थे। प्रोफाइल में बहुत सारे ऐसे फोटोज भरे पड़े हुए थे जिनको रोमिल बस देखे ही जा रहा था। रील्स और इन फोटोज को गौर से देखते देखते रोमिल बस लाइक करता गया और आखिरकार उसे कब नींद आ गई थी उसे पता भी नहीं चल पाया था। सुबह जब रोमिल की आंखें खुली तो उसने मोबाइल स्क्रीन पे जैसे ही देखा तो वो थोड़ा हैरान हो गया था। इंस्टा डीएम रिक्वेस्ट पे उस लड़की का ही लिखा हुआ एक मैसेज आया हुआ था। रोमिल थोड़ा सोच में पड़ गया था कि उसे रिप्लाई बैक करना चाहिए या नहीं। पर आधे घंटे बाद जब रोमिल ब्रेकफास्ट कर रहा था तब उसने उस लड़की का डीएम रिक्वेस्ट दोबारा देखा। वहां पे हाय लिखा हुआ था। उसने उस लड़की के डीएम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उसे हेलो लिख डाला। पूरे दिन जब कॉलेज में रहता था तब रोमिल के पास वक्त ही नहीं बच पाता था कि वो कुछ और काम भी करे, लेकिन अब वैकेशन आने पर बिल्कुल विल्ला बनकर उसे और ज्यादा आलस महसूस हो रहा था। दोपहर तक उसने एक वेब सीरीज खत्म करने के बाद इंस्टाग्राम ओपन करते ही उसे डीएम पे उस लड़की के काफी सारे मैसेजेस दिखे। रोमिल के हेलो लिखने के बाद उसने ऑडियो मैसेजेस ही भेजे थे। रोमिल कानों में ब्लूटूथ लगाकर ध्यान से अब उन ऑडियो मैसेजेस को एक के बाद एक प्ले करता गया। हाय रोमिल, ये आपका रियल नाम ही है ना? मैं इदिका हूँ। मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी आपसे इंटरेक्ट कैसे कर रही हूँ। आपने तो बस कल रात मेरे रील्स और कुछ फोटोज ही बस लाइक किए थे। पर बात दरअसल ये है कि मैं थोड़ी फ्रेंडली नेचर की हूँ। आई एम सिंगल चाइल्ड एंड मेरे पेरेंट्स हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। सारे ऑडियो मैसेजेस को सुनने के बाद रोमिल को इदिका के हालत पे तरस आ गया था। शायद आज वैकेशन के पहले दिन में ही उसने वो अकेलेपन को इदिका की तरह सहा है। और पता नहीं ये इदिका तो किसी भी उपाय से बाहर की दुनिया से रूबरू नहीं हो पा रही थी। I can feel your pain right now because from today onwards my vacation has started and already it's really boring to spend this spare time. Anyways, it's completely fine. We can be friends. No issues. But I prefer to talk in calls rather than typing or sending audio messages. I hope you don't mind if we talk in call over here only.
रोमिल ने इरिका को इतना लिखकर मैसेज भेजते ही इंस्टा पे उसका कॉल तुरंत आ गया था। हे इरिका, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाय रोमिल, आई मस्ट से आप बहुत अच्छे नेचर के हो। काफी हम्बल तरीके से जवाब दिया आपने मेरे ऑडियो मैसेजेस का। इम्प्रेसिव। अरे नहीं नहीं, वो मैं जनरली ऐसे ही बात करता हूँ। वैसे इधिका, आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम फ्रॉम पुणे। ऐसे ही बातों का सिलसिला अगले कुछ हफ्तों तक चलती रही और फिर धीरे धीरे दोनों की पहचान गहरी दोस्ती में तब्दील होने लग गई थी। क्यों जिद कर रहे हो रोमिल? मैंने कहा ना, मैं वीडियो कॉल पे नहीं आ सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। उनको गलती से भी पता चल गया ना तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा, अब मेरे लिए थोड़ा डांट भी नहीं झेल सकती हो तुम? ठीक है देन, मैं चला सोने। गुड नाइट मैडम, कल तुमसे बात होगी। बाय बाय। अरे अरे सुनो प्लीज, गुस्सा मत करो ना, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? अच्छा ठीक है, रुको मैं देख के आती हूँ पापा मम्मी सो गए हैं कि नहीं। कम ऑन निधिका, रात के 3 बज गए हैं, ग्रो अप। तुम 90s की हीरोइन की तरह बात क्यों कर रही हो यार? बातें बंद करो और एक्सेप्ट करो अब वीडियो कॉल रिक्वेस्ट। रोमिल ने जैसे ही वीडियो कॉल एक्सेप्ट किया तो स्क्रीन पे इधिका के चेहरे को वो देखता ही रह गया। उसके काफी फोटोज और रील्स देखे हुए थे उसने, पर असलियत में इधिका उससे भी बेहद ज्यादा खूबसूरत थी। मासूम सा चेहरा था उसका, गहरी काली झील सी आंखें थी और कालों पे खुले बालों के कुछ लटे गिरी हुई नजर आ रही थी। इधिका को पहली बार यूं देखते ही रोमिल को मालूम पड़ रहा था कि उसी पल से इधिका के लिए उसके दिल में दोस्ती से ज्यादा कुछ पनाह कर चुका है। ओ हेलो, अब कुछ बोलोगे भी या यूं ही घूरते रहोगे? अरे तुम्हारे तो डिंपल्स भी आते हैं इधिका, सो स्वीट। तुम बहुत प्यारी हो यार, एक डॉल की तरह। कुछ भी बोलते हो तुम। पता नहीं उस दिन से रोमिल दीवानों जैसा बस इधिका के ख्यालों में खोया रहता था। सोते जागते उसी के साथ बिताए हुए लम्हों को याद किए जाता था। रोमिल को इससे पहले कॉलेज में बहुत सी लड़कियों ने प्रपोज किया हुआ था। पढ़ाई में टॉपर होने के साथ साथ उसके गुड लुक्स के कारण भी सब उसके लिए मर मिटने को तैयार हो जाते थे। मगर रोमिल था कि किसी को भी अपने आस पास भटकने नहीं देता था। उसे प्यार मोहब्बत पे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने फ्यूचर बनाने में उसने हमेशा अपने आप को उलझाए रखना ही सही समझा था। पर इधिका में वो सारी बातें थी जिसकी शायद उसके मन को तलाश थी। मासूमियत, सादगी, भोलापन, खूबसूरती और अनगिनत अच्छाई थी उस लड़की में जिसने रोमिल को घायल कर दिया था। आई लव यू इधिका। अब हमारी दोस्ती को 1 साल हो चुका है। मैं अपने फीलिंग्स को यूं और नहीं छुपा सकता था तुमसे, इसलिए आज मैंने तय कर लिया था कि तुम्हें मेरे दिल की बात बताकर रहूंगा। तुम्हारा जवाब चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे हाँ का इंतजार उम्र भर कर लूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पगले, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर डरती थी कि कहीं तुम मुझे ठुकरा ना दो, कहीं कल तुम मुझे ये ना कहो कि तुम किसी और के। नहीं दिका, मैं बस तुम्हारा ही हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा, ट्रस्ट मी।
रोमिल ने वैलेंटाइन्स वीक को सेलिब्रेट करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। पहली बार जिंदगी में उसने ये जाना कि वैलेंटाइन्स डे के पहले इतना सारा डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसने हर दिन के लिए इदिका के घर पे सरप्राइज गिफ्ट्स भेजना शुरू कर दिया था। इदिका हर रोज गिफ्ट पाने के बाद रात होने का इंतजार करती थी और वीडियो कॉल पे उसके गिफ्ट को अनरैप करते हुए खुशी से बच्चों की तरह कभी उछलती थी तो कभी आंसू बहाया करती थी। एक दिन बातों बातों में रोमिल से रहा नहीं गया और उसने सीधे मुंह इदिका से पूछ लिया कि कब वो दोनों मिलने वाले हैं। मुझसे और तुम्हारे यूं उदास हो जाना, दूरी बनाए रखना सहा नहीं जा रहा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, बताओ कब आओगी तुम? ये कहो तो मैं ही आ जाऊं तुमसे मिलने। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें पहले ही कई बार मना कर चुकी हूं। अगली बार ऐसा कहोगे तो बात करना ही बंद कर दूंगी तुमसे। इदिका की दी गई चुनौती को अनसुना करके ही रोमिल ने अगले दिन फ्लाइट बुक कर ली थी। बिना उसे इत्तला किए उसके घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने लगा रोमिल। इतना उसे मालूम था कि उसके पेरेंट्स उनके रिश्ते के बारे में जानते ही भड़क उठेंगे, क्योंकि इदिका के कहने के मुताबिक उन्हें प्यार के नाम से भी नफरत थी। आई एम सॉरी अंकल जी, मैं जानता हूं ऐसे अचानक से आपके घर आकर अपने और इदिका के रिश्ते के बारे में बात करना भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को। मैं इदिका को पिछले एक साल से जानता हूं। हमारी पहचान कब दोस्ती से प्यार में बदल गई इसका हमें भी पता नहीं चल पाया था। मैंने अपने पेरेंट्स को वैसे सब कुछ बता दिया है, जल्दी वो आपसे इस बारे में बात कर लेंगे, पर मैं चाहता था कि पहले मैं खुद आपसे आकर मिलूं। आप मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं जिससे आपको तसल्ली हो कि मैं इदिका के लायक हूं। इदिका के माँ बाप एक दूसरे की शक्ल देखते रहे, मानो उन्हें ये सब सुनकर गहरा सदमा पहुंचा हो। रोमिल को खुद अब अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। काश कि उसने एक बार आने से पहले इदिका को कह दिया होता तो वो अपने पेरेंट्स को कुछ हद तक हालात को समझा कर रख पाती। रोमिल को अब इदिका को खोने का डर सताने लगा, कहीं ऐसा न हो कि हमेशा के लिए इदिका के पेरेंट्स उससे रोमिल को जुदा ही कर दे। देखो बेटा, हमें नहीं पता कि तुम इदिका से कैसे और कहां मिले होगे, पर जो भी तुम कह रहे हो वो सरासर नामुमकिन है। अंकल प्लीज ऐसा मत कहिए, आप बस एक बार इदिका से भी पूछ लीजिए, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आप जब भी चाहो तब ही मैं उसके काबिल बनकर उसका हाथ मांगने आऊंगा। तुम समझ नहीं रहे हो बेटा कि हमें आपत्ति तुम्हारे यूं यहां आने से या सच बताने से नहीं है। इदिका से तुम्हारी शादी कभी भी नहीं हो सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल जी? आंटी आप तो कुछ कहिए, मैं आप लोगों का यूं दिल दुखाना नहीं चाहता था। मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, मगर प्लीज ऐसा मत कहिए। बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, पिछले कुछ महीनों से इस एड्रेस पे काफी सारे गिफ्ट्स आ रहे थे इदिका के नाम पर। हमें लगा किसी ने गलती से कुरियर किया होगा, पर आज पता चला कि वो सब तुमने ही भेजा था। लेकिन बेटा जिसके लिए वो गिफ्ट्स भेज रहे थे उसे तो वो सब
कभी मिले ही नहीं। क्या मतलब? इदिका रोज मुझे उन गिफ्ट्स के साथ वीडियो कॉल किया करती थी। अंकल वो सारे गिफ्ट्स उसी के पास है। देखो बेटा, इदिका ये कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि इदिका 2 साल पहले तुम्हारे ही जैसे इंस्टाग्राम ऐप पे रौनक नाम के एक लड़के से मिली थी। उसे बेइंतहा मोहब्बत कर बैठी थी। रौनक ने भी उसे प्यार के रंगीन सपने दिखाए थे, पर 1.5 साल बाद रौनक की शादी किसी और से तय हो गई थी। और इस बात से बौखलाकर इदिका ने उससे लड़ाई कर ली थी। उसी बहस में रौनक ने गुस्से में उसे कह दिया कि ऑनलाइन प्यार ये सब बकवास होता है, असल जिंदगी का उससे कोई मतलब नहीं होता। इदिका बचकानी सोच रख के रौनक से उम्मीद लगाए बैठी थी। इस तरह रौनक के ठुकरा देने पर वो पूरी तरह टूट चुकी थी। और उसके बाद उसने इतना कहकर इदिका के पापा फूट फूट कर रोने लगे। उसने क्या अंकल बताइए प्लीज, मेरा यह सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। इदिका ने उस घटना के बाद ही खुदकुशी कर ली थी। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियां जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।